है ना। यार पीछे आ जाना, फोटो 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 भाई 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 चलो अभी यार मैम यार प्लीज मैम आप ले मैडम आपके राइट में आपके लेफ्ट I think it's very important for all of us citizens to vote. बहुत बहुत जरूरी है कि हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। बहुत जरूरी है कि हम सही सरकार चुने, सही आदमी को चुने जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, जो देश की तरक्की, हम लोगों की तरक्की। I think it's very important for me as a woman to say it's women's safety is of prior necessity and priority, and someone who can take care of all of these things. Thank you. बहुत जरूरी है। अगर हम लोग वोट नहीं करते तो कोई हमको हक नहीं है बाद में बोलने का कि सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती। अगर आपने मतदान किया है और आप अपनी मर्जी की सरकार चुन पाते हैं तब आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इसीलिए इस हक के लिए आपको जरूर जरूर आना है। आज का दिन घर ना बैठे रहें, छुट्टी ना मनाएं, ये ना सोचे फलाना तो आ ही जाएगा। आपकी एक एक वोट कीमती है। बहुत सारी सरकारें कभी एक वोट से हारी हैं, कभी एक वोट से जीती। इसीलिए आपको आकर अपना हक जरूर यहाँ पर अदा करना है। यू मस्ट वोट, कम आउट एंड वोट, वोट फॉर योर कैंडिडेट। किरण जी, आप चंडीगढ़ से सांसद हैं, उस समय पे काफी मोदी लहर चली थी, क्या लगता है इस बार भी महाराष्ट्र में इस तरीके की लहर दिखाई दे रही है? जो इंसान अच्छा काम करता है उसकी लहर हमेशा रहती है। मोदी जी की लहर उस समय नहीं चली थी, हमेशा से है। जब से वो गुजरात में अच्छा काम कर रहे हैं तब से ये मांग रही है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। सौभाग्य से वो बन गए हैं और शुरुआत से दिन रात वो काम कर रहे हैं देश की भलाई के लिए। सबको पता है, दिख रहा है। सिर्फ सवाल पूछने के लिए लोग सवाल पूछते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। मोदी जी की लहर आज भी है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी, क्योंकि सच्चे ईमानदार और मेहनती प्रधानमंत्री। किरण जी, जनता महाराष्ट्र में किन मुद्दों पर वोट करेगी आपको लगता है? लोग तो कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर करप्शन है। यहाँ पर करप्शन बहुत हुई है पिछले 10 साल में, और यहाँ पर विकास, यहाँ पर जो लोगों को, लड़कों को और नौजवानों को और लड़कियों को जॉब्स नहीं मिलते उसके लिए वोट करेगी, और सुशासन के लिए वोट करेगी और विकास के लिए। आपको लगता है गठबंधन टूटा है उसका कुछ असर पड़ेगा? अब गठबंधन